नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने दोबारा से डीप स्टेट का जो अगला प्लान है या टारगेट है उसको दोबारा से उजागर कर दिया। ऐसे ही इसका नाम इंटरनेशनल पप्पू नहीं रखा गया है। और आपको मालूम होगा कि अमेरिका में जिया था, वहां पर उन्होंने डीप स्टेट ने बोल दिया कि बेवकूफ, दोबारा से जब तक हमारे इलेक्शन ना हो जाएं, अमेरिका के ख़त्म ना हो जाएं, तुमने यहाँ पर नहीं आना, क्योंकि तुम जहाँ पे भी हाथ लगाते हो वो चीज़ भस्म हो जाती है। भारत के ऊपर तुमने हाथ लगाया है इसको भस्म करने के लिए, इसलिए मैंने भी इसका नाम रख दिया है भस्मा असुर, क्योंकि भस्मा असुर वो था जिसने जिसके ऊपर भी हाथ लगाया वो ख़त्म ही हो गया। इसने कांग्रेस के ऊपर हाथ लगाया, कांग्रेस ख़त्म हो गई। इसने भारत के ऊपर, अब जो इसकी तरक्की है उसके ऊपर हाथ रखने की इसने मुहिम शुरू कर दी है। डीप स्टेट ने बोला है कि भाई भारत में जितने भी काम हो रहे हैं उनको रोक दीजिए, इको टेररिज्म को तुम शुरू करो। मोदी जी बोलते हैं इको टूरिज्म शुरू करना है, ये इको टेररिज्म को शुरू कर दिया है। इसने डीप स्टेट का जो डीप प्लान था कि भारत की स्टॉक मार्केट को गिरवाना है, उसको इसने सामने ले आया। अब उसको करने के लिए इसने बोल दिया मैं तो मसीहा हूं, क्योंकि ये भगवान तो हो नहीं सकता, ये मसीहा ही हो सकता है मुसलमानों का। इसने बोलना शुरू कर दिया है कि मैं करोड़ों जो इन्वेस्टर है उसके पैसे खत्म होने वाले हैं, अपने पैसे मार्केट से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट भारत की गिरने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चनेबल चीज़ें हो रही हैं। अब ये सारा कुछ क्यों बोला गया? यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर को ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी बार बार बोल रहा है स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, आप इसमें से पैसे निकाल लीजिए। क्या वाकई में स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, या ये गिरवाना चाहता है ताकि करोड़ों लोगों के जो पैसे खत्म होंगे तो वो डंडे मारेंगे मोदी जी को, इसीलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सियाराम। जय सियाराम सर। ये जो राहुल गांधी है उसने एक एलिगेशन लगा दिया जो हमारी सेबी की चीफ है, साथ में बोल दिया कि ये स्टॉक मार्केट जो है इसमें कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा, ये गिरने वाली है, इसमें करोड़ों लोगों के नुकसान होने वाला है पैसों का, और एक जो कमीशन बैठाई थी वहाँ पर उन्होंने बुला लिया हमारी जो सेबी की चीफ है, और साथ में बोल दिया ये तो जो सारे पैसे हैं लोगों के जो निकलने वाले हैं ये सारे के सारे चले जाएंगे अदानी के अकाउंट में। यानी कि लोगों के पैसे निकल कर अदानी के अकाउंट में कैसे चले जाते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर, ये एक डेलिबरेट मूव है डीप स्टेट की जो इसने उजागर कर दी, या इसके पीछे कोई सच्चाई है? देखिए, इससे पहले भी हिडनबर्ग का मामला आया था और उसमें भी इस बंदे ने बहुत बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि हमारी LIC को यूज किया जा रहा है, LIC बैंकक्रप्ट होने वाली है, देश का पैसा अदानी के पास चले जाएगा, ये बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुका है। आपने ये बात बरोबर बताई है, इकोनॉमिक टेररिज्म, जो इकोनॉमिक टेररिज्म की बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के संदर्भ में नहीं है। अगर आप देखें आज तक 5 महीने से जब से ये नई सरकार आई है, मोदी 3.0, कम से कम 62 से 63 रेल एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी जगह अटेम्प्ट हो चुके हैं, कितने लोगों की लाइफ जा चुकी है। अभी पिछले हफ्ते भर में अराउंड 300 एयरलाइंस पे बॉम्ब होक्स कॉल्स आए हैं। और देखिए, अमेरिका में वो पन्नू बैठा हुआ है, वहां पे वो एक वीडियो निकालता है और वो बोलता है कि नवंबर 1 से नवंबर 19 तारीख तक आप एयर इंडिया में ट्रेवल मत करिए, एक ओपन ट्रेड दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो अभी इंडियन मार्केट जो बहुत बढ़ चुका था उसमें एक नॉर्मल करेक्शन आया था 2000 पॉइंट्स का, जिसमें आपने भी बताया था इट वॉज ड्यू टू चाइनीज जो स्टिमुलस पैकेज है उसके कारण FIIs निकल रहे हैं। उसके बावजूद आपके इसने इस टाइम पे स्टेटमेंट दिया है सेबी चीफ के खिलाफ। देखिए, जरूर कुछ पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो जो बात कर रहा है, बरोबर है, उधर गठित की गई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट देख के पब्लिक के डोमेन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दिस इज इंटरनल इंक्वायरी और इसमें इस टाइम पे वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट से हटाना चाहता है कि फर्दर सेलिंग हो और इसके कारण एक बहुत बड़ा क्रैश आए तो यहाँ पे इंडिया को प्रोजेक्ट कर सके, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एनीमोर। और सेकेंड, आपने जब ये भी देख लिया है कि कांग्रेस शासित प्रदेश जो भी है वहां की वक्फ बोर्ड
अपने किसानों की लैंड पे अधिग्रहण कर चुके हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि मंदिर के लैंड हमारे हैं। तो एक तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि देश में एक अराजकता और एक तरह से लोगों के बीच में अशांति फैले, जो देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल प्रॉब्लम्स को वो उजागर करना चाहता है। एक तरह से अनार्की, सिविल वॉर और एक रेजिम चेंज ऑपरेशन की एक कोऑर्डिनेटेड तैयारी है। हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। देखिए, वो अभी चुप बैठे हैं और सडनली बोलना चालू किए हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसको एक परिदृश्य में रखना पड़ेगा। एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, स्टॉक मार्केट अभी और भी गिर सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी, नॉट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर बट ऑफ ग्लोबल फैक्टर। इसराइल और ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें अगर ईरान का रिटेलिएशन हुआ तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। और इस टाइम पे इंडियन मार्केट में सिस्टमिक फॉल्ट है, रिस्क है, इसके कारण वो और उस फियर को और बढ़ाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग करना चाहते हैं। एक स्ट्रेटेजिकली टाइम किया उन्होंने अपना स्टेटमेंट। सर मुझे चीज बताइए, उन्होंने बोल दिया कि मैं जो हार्ड अर्न्ड मनी है, करोड़ों जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंता कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ये सारा पैसा निकालकर अदानी की जेब में डालने वाले हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, जब पैसे बढ़ रहे थे, जब स्टॉक मार्केट 15-20 हज़ार पे थी कोविड के टाइम पर, उसके बाद वह 25 हज़ार थी, वहां से 80-85 हज़ार पे पहुंचने वाली है, पहुंच गई है, उसके बाद जाकर तब तो ये बोला नहीं कि भाई मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, इतनी आपके जो स्टॉक मार्केट है उसको बढ़ा दिया, पूरे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ आ गया है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हल्का सा इसके प्रिय चाइना की तरफ से जब थोड़ा सा यहाँ पे काम करने शुरू हुए, यहाँ से पैसे निकलवाने शुरू हुए, यहाँ की स्टॉक मार्केट को गिरवाने का काम शुरू हुआ है, इसको दर्द होना शुरू हो गया छोटे इन्वेस्टर का, वो भी भारत के, जहां पर ये खुद इन्वेस्टमेंट करके बैठा है करोड़ों रुपए, ये उसी स्टॉक मार्केट में बना रहा है, कोई भी स्टॉक इसने नहीं बेचा है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर को बोल रहा है आप जल्दी से अपने पैसे निकाल लीजिए। आपको नहीं लगता कि ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज छोटा जो इन्वेस्टर होता है वो सेंटिमेंटल होता है, उसको थोड़ी जो इनकम्स होती हैं उसे लगता है कि पैसे बना लिए बाहर निकलो, क्योंकि राहुल गांधी इतना बड़ा अर्थशास्त्री वो बोल रहा है, क्या ये स्टॉक मार्केट को गिरवाने का एक टारगेटेड प्लान नहीं है? सर देखा जाए तो भारतीय स्टॉक मार्केट 25,000 से, जैसे आपने बताया था, 86,000 तक गया हुआ है और आज अराउंड 80-81,000 है। ये नॉर्मल करेक्शन ही होता है, और जब इतनी बड़ी रैली आती है तो कहीं ना कहीं जाके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो आप जब आपका स्टॉक मार्केट 2-3 महीने बढ़ रहा था तो कुछ एक महीना अगर करेक्शन भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकेंड, इसका एक ही प्लान है कि वॉन्ट्स टू पोर्ट्रे इंडिया एज अ अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। मतलब वो चाहता है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें, और आपने देख ही दिया है कि कितनी जो कंपनीज है जो चाइना से रीलोकेट हो रही है इंडिया, उनके यहाँ पे लेबर इन्वेस्ट हो रहा है, उनको उनके फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स हो रही है। एक तरह से कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज लगे ही नहीं। पहले ये काम हमारे एनवायरमेंटलिस्ट करते थे, हर जगह झंडा लाके वो बैठ जाते थे। अब ये काम स्ट्रक्चर्ड कर दिया है कि राहुल गांधी ने खुद ले लिया। और आपको ये भी मालूम होगा, वेदांता का प्लान जो तमिलनाडु में बंद हुआ था, उसके बाद भारत जो एक कॉपर एक्सपोर्ट करता था अब इम्पोर्ट करता है चाइना से। मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर, एक डिटेल वीडियो बनाया था मैंने कि तमिलनाडु में कैसे राहुल गांधी और इसकी पार्टी कैसे हमारी एक इको टेररिज्म को बढ़ावा दे रही है। सर एक ये जो इनका स्पोक्स पर्सन है खेड़ा, मुझे नहीं पता कि खीड़ा है कि खेड़ा है, इसके साथ बात कर रहा था राहुल गांधी फ़ोन के ऊपर, और उसमें एक वर्ड यूज़ किया जो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये हो कह रहा है। उसने बोला खेड़ा को, वी हैव टू टेक आउट इनोवेटिव वेस ऑफ कॉशनिंग रिटेल इन्वेस्टर्स
अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट. सर, व्हाट आर दिस इनोवेटिव वेज ऑफ कॉशनिंग रिटेल इन्वेस्टर्स? क्या ये दोबारा से वही काम नहीं है कि कोई भी तरीका अपनाया जाए, झूठ का कुछ भी किया जाए, लेकिन यहाँ से जब पैसे निकलने शुरू होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहा है, जब छोटा इन्वेस्टर भी पैसा निकालना शुरू करेगा, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिरवा दी जाएगी. क्या ये वही काम नहीं हो रहा, टारगेटेड इनोवेटिव वेज? सर, आपको कल अजीत डोभाल ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी, जिसमें जो टूल्स एम्प्लॉय हो रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कर्ज किया जा रहा है, आपके आपके दिमाग में थॉट इम्प्लांट किए जा रहे हैं, एक नरेटिव चलाया जा रहा है, फियर साइकोसिस बढ़ाया जा रहा है. और राहुल गांधी वही इनोवेटिव मेथड्स की बात कर रहे हैं. इस टाइम पे एक अगर फियर अगर इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ जाता है तो सेलिंग और बढ़ेगी, और सेलिंग अगर बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट और गिरेगा. CLSA ने अभी रिपोर्ट दी है कि स्टॉक मार्केट कैन गो डाउन बाय 1000 पॉइंट्स मोर. कुछ विशेषज्ञों ने बोल दिया कि वो 18,000 तक भी जा सकता है. कोई प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट की इट कैन गो डाउन बाय 28%. ये सब मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ, बट अगर देखा जाए इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके कारण अभी वर्ल्ड की ग्रोथ होने की है. अभी कल मैं एक दो इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये बता रहे हैं कि 2047 तक इंडियन इकोनॉमी विल बी अराउंड $55 trillion. आज $4 trillion है, अनदर इन अनदर 23 years ये माइट बी एडिंग 51 trillion. सोचने में मुझे भी सोच रहा हूँ ये कैसे हो सकता है. बट डेफिनेटली अगर विशेषज्ञ कुछ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं, तो भी हमें उनकी बात को मानना चाहिए. तो ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट आ खुद अमेरिका चाइना से अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के इंडियन कंपनी इंडिया में डाल रहा है अमेरिकन कंपनी. अभी आपको ये भी बता देता हूँ, अभी एक नया एक्ट जो आने वाला है अमेरिका में, उसको बोलते हैं पेट्रियट इन्वेस्टमेंट एक्ट. उसके अंदर अगर कोई अमेरिकन चाइनीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, he will have to pay taxes at 37%, the highest tax class. America में capital gains tax है 20%. अगर आपने China में invest किया और उसके through आपने capital आपने अगर gains capital gains आपका आ रहा है, then you will be taxed at 37%. जो ये FIIs के पैसे हैं जो अभी भारतीय stock market से निकल रहे हैं, जैसे ही वो act pass होता है ये रिवर्स भी हो जाएगा. FIIs ने अभी तक FIIs की होल्डिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इट इज अराउंड $5.5 trillion. $900 billion की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. दे ओन रफली अराउंड 17%, जो कम हो जाएगा. लास्ट में उनको आना भी पड़ेगा इधर, क्योंकि यहीं पे ग्रोथ है. मैं तो यही बता सर, ग्रोथ कैसे आएगी? सर, ग्रोथ कैसे आएगी? राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि खेड़ा को कि जो ये कैंपेन आप शुरू करेंगे इनोवेटिव वेज का, ही हिमसेल्फ वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू पार्टीज कम्युनिकेशन प्लान, एक कैंपेन, ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसके पैसे को बचाया जाए. सर, पैसे को बचाया जाए या स्टॉक मार्केट से निकलवाया जाए, मैटर वही है कि पैसा ये निकलवाने की कोशिश करेगा. अभी तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके सिर्फ 80-85,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकला है, जो चाइना में जाकर इन्वेस्ट कर दिया है, तो हमारी मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुकी है. आपको नहीं लगता कि जब छोटा इन्वेस्टर, जिसके मेजर शेयर स्टॉक मार्केट में छोटे इन्वेस्टर का है, जब कांग्रेस की बार बार टारगेट करके वो बोलेंगे लोगों को पैसा बाहर निकालने के लिए, क्या मार्केट नहीं गिरेगी? आप बोल रहे हैं कि मार्केट बढ़ जाएगी, $55 trillion हो जाएगा. सर, सपने देखने अच्छे हैं, मैं भी देखता हूं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल वध आप राहुल गांधी जैसे धुरतकार नहीं करेंगे, इस भस्मासुर का आप पॉलिटिकल वध नहीं करेंगे, तब तक ये काम तरक्की वाला नहीं हो सकता भारत में. सर, मैं जानता हूं आपका इशारा किधर चल रहा है, बट मेरा काम है आपके सामने फैक्ट रखने का. अब झूठ क्या जल्दी फैलता है,
और सच के पांव बहुत धीरे से चलते हैं, वो बाद में आता है। बस यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी देख लीजिए SIPs में, म्यूचुअल फंड में, इट इज अराउंड 23,000 to 25,000 crores एवरी मंथ आ रहे हैं SIPs में। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस है इंडियन स्टॉक मार्केट में। यस, बीच में बात आई थी कि बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर अपनी FDs तोड़ के वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे है सर, प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं है। वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू मेक अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन कि उन्हीं इन्वेस्टर क्लास को प्रॉब्लम है जो FNO में है। एनीवन हु हैज टेकन अ गुड, हु हैज टेकन स्टॉक्स ऑफ गुड कंपनी, उसको डरने की जरूरत नहीं है, जैसे गिरा है वैसे बढ़ भी जाएगा। सर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना में दो न्यूज़ हैं जो कल आई, एक तो राहुल गांधी वाली कि भाई देखिए भारत के अंदर जो सारे इन्वेस्टर्स हैं 11.5 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो गया है, राहुल गांधी खुद बोल रहा है, अपोजिशन का इतना बड़ा लीडर, तो एक तो उन्होंने ये बोल दिया। दूसरी न्यूज़ जो यहाँ पर दिखाई गई वो थी कि देखिए भारत में कितना अनसेफ है, यहाँ पर जो डोमेस्टिक एक हेल्प करने वाली लेडी घर में काम करती है, अपने सुसु से रोटियाँ बनाकर खाना बनाकर आदमियों को देती थी फैमिली को, और वो लेडी और उसका जो पूरी फैमिली है वो सारी हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि आपको मालूम है कि सुसु वाला खाना वो खाएगा तो क्या होगा। मैं कि आप सोचो देखिए कैसे इंटरनेशनल मीडिया में भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है इन दो चीज़ों के साथ, और वो हंस भी रहे थे कि हमने यहाँ पर कॉकरोच जो हैं इनका परमानेंट इलाज कर दिया, और कॉकरोच भारत में हिंदुओं का इलाज कर रहे हैं और उन्हें इलाज करवाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में जाकर। यानी कि राहुल गांधी और मुसलमानों के ऊपर तंज, दोनों चीज़ें इन्होंने दिखा दी यहाँ पर चाइनीज मीडिया में। और ये बातें जब मेरी वाइफ मुझे डिस्कस करती है मेरे साथ, आप सोच कर देखिए मेरे ऊपर क्या बीतता होगा। सर इसी को तो बोलते हैं नरेटिव वॉरफेयर, और कल अजीत डोभाल ने यही तो बात किया है कि भारतीय को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं मानता हूँ उनकी बात को, वी हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस, और हमें अपनी तरफ से ये जितनी भी ये न्यूज आ रही है उनके ऊपर डिसलाइक करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो से दैट दीस आर ऑल फेक नैरेटिव। और सेकंड मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ब्लेम करना चाहूंगा कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, व्हाट इज योर बीजेपी आईटी सेल डूइंग। आप सब चीज बोल रहे हो कि आप देश की जनता को उठना पड़ेगा, बट आपके जो इतने बड़े हैंडल्स है और बीजेपी के अंदर 10 करोड़ लोग हैं उनकी पार्टी मेंबरशिप, तो वो कर क्या रहे हैं सर? आप सिर्फ मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हो, आप उस मेंबर्स को अपने साथ कैसे जोड़ोगे? हाउ विल यू इंटरग्रेट देम? ऊपर से एक चेन ऑफ कमांड से एक मैसेज आना चाहिए और उसको डिसेमिनेट और एम्पलीफाई करना जरूरी है। बीजेपी आईटी से नीड्स टू वेक अप सर, पिछले 10 साल से सोए हुए हैं। अमित जी मालविया अब तो उड़ जाइए। सर इसके ऊपर हमने कितनी वीडियोस बना दी कि अमित मालविया उठने को तैयार नहीं है, बाकी जो मिनिस्ट्री है उसके लोग सो रहे हैं, सभी बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और राहुल गांधी पैरों के नीचे से जमीन खिसकाता जा रहा है। अब तो 1200 एकड़ सर जो किसानों की जगह थी उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया 1200 एकड़ हमारी है, और कांग्रेस उनको वो जगह दिलवाने के लिए आगे भी आ गई है। ये तो भारत में हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जैसे ही काज गिरेगी उससे पहले पहले पूरे भारत के ऊपर ही अपना क्लेम ठोक दिया जाए। सर वो तो ये काम कर रहे हैं, और आप तरक्की की बात करते हैं, मुझे कई बार हैरानी होती है कि भारतीय कैसे आराम से सोए हुए हैं, और कई बार पाकिस्तानियों से मेरी बात होती है वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर किसी और कम्युनिटी ने हमारे साथ ऐसा किया होता हम उन्हें ख़त्म कर देते, और आपके यहाँ पर आपके हिंदुओं को फर्क ही नहीं पड़ता, आपके अपने देश में मुसलमान टेक ओवर करते जा रहे हैं, आप आराम से सो रहे हो कि यार कोई खलीफा आएगा, कोई भगवान आएगा, कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमें बचाकर ले जाएगा। कब तक वेट करते रहेंगे किसी की, कब तक हम खुद नहीं उठेंगे अपनी कंट्री को बचाने के लिए? मैं बार बार बोल रहा हूँ राहुल गांधी का पॉलिटिकल वध हम ही कर सकते हैं, ये मोदी का काम नहीं है। और पॉलिटिकल वध होता है जब हम उसको वोट ना दें। अभी भी हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर 40% वोट राहुल गांधी को और 39% मोदी जी को। सर उनका क्राउड तो बढ़ता जा रहा है, और जैसे वो काम कर रहा है कि भारत को टुकड़े कर रहे हैं, उसके दो टुकड़े कर एक में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, एक में राहुल गांधी बनेगा, और ये मुसलमान कंट्री बना देंगे,
वो तो उसी काम पे लगे हुए हैं, और हमारे ये हिंदू बोलते हैं और चिंता मत करो जैन साहब, आप जो है ना आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, कुछ नहीं होने वाला। और वो हमारी स्टॉक मार्केट है, हमारी रेलवे लाइंस हैं, वो हमारी फ्लाइट्स हैं, उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहा है। आप सर इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देते हैं कि यार ये फिफ्थ जो ये क्या होता है, ये वाला वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें झूठ जो है वो ऊंचा होगा, वो शॉर्ट टर्म में जीतेगा, लॉन्ग टर्म में ट्रूथ ही जीतेगा। सर आपको लगता है पिछले 10 सालों में ट्रूथ जीता है? सर कहां से नहीं जीता है सर, बताइए, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस देखिए ना, काम बोल रहा है सर। अब इंडियन रेलवे में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, एक्सप्रेसवेज बन रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही है, एक कायाकल्प हुआ है। किसी को भी पूछ लीजिए, जो आदमी अगर 10 साल बाद अगर इंडिया आएगा तो वो अपने आप ही बोलेगा कि इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। पहले भी हम सुनते थे कि 100 में से 99 बेईमान, मेरा भारत महान। अब हम कंप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, डिमांड कर रहे हैं। बट सर प्रॉब्लम क्या है, डिमांड सब अब सिर्फ मोदी जी से नहीं कर सकते, नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, आपको अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी बोलना पड़ेगा। यू हैव टू से टू योर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इज इलेक्टेड, यू हैव टू होल्ड अकाउंटेबल द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, आपके काउंसिलर, आप उन लोगों को तो बोलते नहीं हो। एंड आपके अगर घर में पानी नहीं आता तो आप मोदी जी को ब्लेम कर रहे हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सर ये सब उनकी इनएफिशिएंसी है। वोटर्स को जहाँ पे राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू राइट सॉर्ट ऑफ पीपल पूछना पड़ेगा, पूछेंगे तो कोई भी पार्टी हो, वो भले बीजेपी हो कांग्रेस हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट आप आके राइट टाइप के क्वेश्चन पूछ के, आपके अगर सर म्युनिसिपल प्रॉब्लम्स है और आप प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर सकते हैं, सर नॉट डन सर, प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं। चलो मैं इसको वाइंड अप करता हूं, आपने बोला कि मैं वाइंड अप करता हूं, आपने बोला कि 100 में से 99 जो है वो बेईमान, मेरा भारत महान। मैं बोलूंगा वो स्टेटमेंट बहुत पुरानी दी आपने, यू आर ओल्ड स्कूल पर्सन। अभी स्टेटमेंट आ गया है 100 में से 103 बेईमान, मेरा भारत महान। 103 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 4 हैं उसमें ऐड हो गए वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या कॉकरोच हैं, तो वो हमारे देश को महान नहीं बनाने देंगे। और जो आप रोड्स, रेलवेज और इसका नेटवर्क की बात बोल रहे हैं वो आपने बना दिए हैं, मैंने खुद विटनेस किया है, इट इज़ रिमार्केबल। और यही नेटवर्क को ये कॉकरोच यूज़ कर पूरे भारत में डेमोग्राफी को चेंज करते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, यू हैव टू डू दिस। और भाई अंगोला से सीख लो, अंगोला ने डिक्लेयर कर दिया है नॉन इस्लामिक, यानी कि उन्होंने इस्लाम को बैन कर दिया है अपने कंट्री में, मस्जिदें तोड़ दी हैं सारी, कि ये नॉन टॉलरेंट वाली ये कौम है, दे आर अ कल्ट विच इज़ ओनली अ टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग कल्ट, इसे हम बैन करते हैं। दे हैव बिकम अ फुली क्रिश्चियन कंट्री वंस अगेन। जिस दिन भारत ये काम कर लेगा हमारी तरक्की भी होगी और हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर ये जो साया क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, ये भी खत्म होगा। सर मेरा एक ही चीज मानना है कि भारतीयों को अब जाके जितने भी भारतीय हैं उन्हें ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से बचना होगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो। अगर आप साथ में रहोगे और आप अगर भारत के संविधान को मानोगे तब जाके आप प्रोग्रेस कर पाओगे, आप बेनिफिट लोगे सर भारतीय संविधान के अंदर। और आप अगर किसी कल्ट को फॉलो करोगे वो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें आपका ही प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पास के कंट्रीज में देख लीजिए जिन्होंने चाइना से हेल्प ली और लास्ट में आके इंडिया से ही मांगते हैं हेल्प। तो व्हाई डू यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ दिस चाइनीज ट्रैप? फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि 2-3 कंट्रीज के अंदर सिविल वॉर चालू हो जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, उसको देख के भारतीय लोगों को अक्ल आएगी कि हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट और शांति बनाए रखना जरूरी है। जो अगर बांग्लादेश या किधर हुआ उधर जो भी हुआ, इट विल बी ए लेसन फॉर इंडियंस।
मैं सर इंडिया के इंडियंस को अंदर अकल तो नहीं आ सकती है? मैं इंडिया के अंदर आई कैन नॉट थिंक ऑफ सच इवेंट हैपनिंग। तो अगर अक्कल लानी है तो उसका लाइव प्रदर्शन बांग्लादेश में हो जाए या पाकिस्तान में हो जाए, उधर चलेगा, और उसको रखकर अगर इंडियन सिख पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बस इतना ही बोलूंगा, जय सिया राम। और एक और एक चीज बताऊंगा कि जितने भी सब्सक्राइबर्स है कि यूट्यूब ने हमारे चैनल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे हमने जय सिया राम की मुहिम चलाई है, और आपसे भी अनुरोध है कि अब आके आप इसको फैलाइए, जरूरी है। और इधर कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखिए, जितने लोग लिखेंगे सस्टेन तरीके से लिखेंगे उसी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। और ये राहुल गांधी के जो भी स्टेटमेंट है, लोगों उसको डिस्काउंट करने लगेंगे। अगर हम रिएक्ट ही ना करें राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को, तो वो इरेलेवेंट और इनएफेक्टिव हो जाएगा, मेरा इतना ही मानना है। बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम। जय सियाराम।